दोस्तों, अगर आप स्टार प्लस का शो पांड्या स्टोर देख रहे होंगे फिर तो आप अच्छे से जानते होंगे शिवा के किरदार के बारे में, जो कि सुमन के तीसरे नंबर के बेटे हैं और मिजाज से काफी गुस्से वाले हैं। उसी शिवा का किरदार निभा रहे हैं एक्टर कंवर ढिल्लो, जो अपने इस किरदार में अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन करके अपने इस किरदार के साथ दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब की जानकारी देते हुए इनके शुरू से लेकर अब तक के करियर के बारे में बताएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके करियर के बारे में तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक, साथ ही इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पांड्या स्टोर सीरियल में शिवा का किरदार निभाने वाले अभिनेता कंवर ढिल्लो का जन्म हुआ 15 मार्च 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में एक पंजाबी परिवार में। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल से की और बाद में मीठीबाई कॉलेज से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की तो बता दें, भले ही इन्होंने मास मीडिया की डिग्री हासिल की हो पर हमेशा से ही इनका सपना एक एक्टर बनने का रहा, क्योंकि इनके पिता दीप ढिल्लो भी अपने समय के एक महान अभिनेता रह चुके हैं। बचपन से ही इन्होंने अपने पिता को एक्टिंग करते देखा और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया, जिसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एक्टिंग की डिग्री भी हासिल की। पर उसके बाद इन्होंने फिल्मों का रुख ना करके टीवी का रुख किया और टीवी शोज में ऑडिशन देने लगे। काफी ऑडिशन देने के बाद इन्हें साल 2012 में इनका पहला शो मिला, जिसका नाम था द बड़ी प्रोजेक्ट। उस शो में इन्होंने कुणाल का नेगेटिव रोल निभाया और उस रोल में इनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया, जिसके बाद इन्हें साल 2013 में कलर्स टीवी के शो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा सीजन 2 में भी मेघा के बेटे अद्दू के रूप में एक नेगेटिव रोल निभाने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इनके इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए साल 2014 में अक्षय डोगरा, निकिता शर्मा और अयाज अहमद के साथ दो दिल एक जान शो में विधान नायक के लीड रोल में कास्ट किया गया। पहली बार लीड रोल प्ले कर इन्होंने सभी का इस कदर दिल जीता कि आगे आने वाले 3 शोज में इन्हें लगातार लीड रोल में कास्ट किया गया, जिसमें साल 2014 के हम है ना सीरियल में शिव प्रसाद मिश्रा उर्फ बंटी के रोल में इन्होंने लीड किरदार निभाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। जिसके बाद ये साल 2015 में अर्जुन सिंह के रूप में पीआर अंग्रेज में नजर आए। उस शो को भी इन्होंने अपनी शानदार अदाकारी के साथ हिट बना दिया, जिसके बाद ये एक और लीड में नजर आए और वो था 2017 के एक आस्था ऐसी भी सीरियल के अंदर, जिसमें इन्होंने शिव के लीड किरदार के लिए काम किया और उस किरदार को निभा कर ये काफी फेमस हो गए। 3 शोज में लगातार लीड रोल निभाने के बाद इन्हें एक बार फिर एंटीनेट वाला लव शो में सम्राट मित्तल के रूप में एक नेगेटिव रोल ऑफर हुआ, जिसे खुशी खुशी इन्होंने स्वीकार भी कर लिया और बखूबी निभाया। वहीं इसी बीच ये आशिकी, प्यार तूने क्या किया और लाल इश्क जैसे शोज में एपिसोडिक रोल में नजर आए। साथ इन्होंने साल 2015 में किलर कराओ के अटका तो लटका गेम शो में हिस्सा लिया। उसके बाद साल 2018 में ये बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 3 में भी हिस्सा लेते नजर आए। वही वर्तमान में ये पांड्या स्टोर सीरियल में शिव पांड्या के रूप में एक अलग तरीके का लीड रोल निभा रहे हैं और दर्शकों से सराहना हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें, टीवी शोज में काम करने के साथ साथ इन्हें म्यूजिक वीडियो में भी कास्ट किया गया था, जिनमें साल 2020 में रिलीज हुई याद बारिश में म्यूजिक वीडियो का नाम शामिल है, जिसमें इनके साथ एक्ट्रेस सोनल प्रधान दिखी और इनका वो म्यूजिक वीडियो काफी हिट रहा। तो दोस्तों, आपने कंवर ढिल्लो के कौन से टीवी शोज और म्यूजिक वीडियो देखी है? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।